विस्थापन और उससे जुड़े पहलू भाग एक। इस वीडियो का उद्देश्य है क जानना विस्थापन क्या है, ख जानना विस्थापन से क्या समस्याएं आती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू है। मैं मुंबई के पास एक गांव में रहता हूँ। मेरे पिताजी यहाँ काम करते हैं और मैं पास ही के एक स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं अपने पिताजी के स्थानांतरण के कारण कुछ अन्य स्थानों में भी रह चुका हूँ। लगभग 4 साल पहले जब मैं पुणे में रहता था, मुन्ना नाम का एक लड़का मेरा दोस्त बना था। उसके गांव से मुन्ने के विस्थापन की कहानी मेरे दिल को छू गई। उसकी कहानी के माध्यम से मुझे विस्थापन और मनुष्यों पर इसके प्रभावों के बारे में पता चला। हम इस वीडियो में विस्थापन के बारे में जानेंगे। मैं पिछले 1 हफ्ते से इस लड़के को देख रहा हूँ। वो खेल देखने के लिए रोज आता है और फिर मैच खत्म होने के बाद निकल जाता है। आज मैं उससे बात करूँगा। नमस्ते दोस्त, मेरा नाम राजू है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुन्ना है और मैं हाल ही में मुल्शी नामक गांव से पुणे आया हूँ और मैं मूल रूप से मुल्शी गांव का ही रहने वाला हूँ। ओह, तुम कहाँ रहते हो? मैं पास की एक जुग्गी में रहता हूँ और मैं अपने माता पिता और बहन के साथ रहता हूँ। हम हाल ही में स्थानांतरित हुए हैं और पता है, मैं अपने लिए छोटा मोटा काम खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। काम? तुम कहाँ पढ़ते हो? तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी लोहार के यहाँ काम करते हैं, पर मैं स्कूल नहीं जाता। मुझे फुटबॉल पसंद है और मुझे खेलने में दिलचस्पी भी है, इसीलिए मैं आप सभी को देखने के लिए यहाँ आता हूँ। ओह, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें फुटबॉल में काफी दिलचस्पी है, लेकिन तुम पढ़ते क्यों नहीं? वो तो एक लंबी कहानी है। पता है, मेरे परिवार ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। ओह, ये बहुत दुख की बात है। क्या हुआ था? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ना, मैं पास के गांव से आया हूँ। ऐसा हुआ कि प्रशासन मेरे गांव में एक बांध बनाना चाहता था और फिर कई चर्चाओं और विचार विमर्श के बाद अधिकारियों ने गांव के सभी परिवारों से कहा कि वह गांव छोड़कर दूसरे गांव जाएं। फिर उन्होंने हमें कुछ पैसे दिए और हमें हमारा गांव छोड़ने के लिए कहा। लेकिन समस्या क्या थी? आपके परिवार को गांव क्यों छोड़ना पड़ा? क्या बांध आपको नुकसान पहुंचाएगा? मैंने तो सुना है कि बांध से हमें कई लाभ मिलते हैं। हाँ, सरकारी अधिकारी कई बार आए और गांव के बुजुर्गों के साथ बहुत समय बिताया। पता है, मैं भी उनकी चर्चा में जाता था। किस बारे में चर्चा कर रहे थे? अधिकारियों ने गांव के बुजुर्गों से कहा कि बांध के निर्माण से आसपास के इलाकों में बहुत समृद्धि आएगी और ये पानी के भंडारण में मदद करेगा, बिजली पैदा करेगा, कृषि में मदद करेगा और कई अन्य लाभ देगा। लेकिन उन्होंने आपको गांव छोड़ने के लिए क्यों कहा? उन्होंने कहा कि बांध स्थल के पास रहने के लिए सुरक्षित नहीं है और उन्होंने कहा कि पानी के भंडारण के लिए और जलाशय बनाने के लिए बहुत जगह की आवश्यकता होगी और इसलिए गांव खाली करना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि बांध का निर्माण 10 से 11 साल में हो जाएगा और हम उसके बाद अपने गांव वापस जा सकते हैं। लेकिन उस समय उन्होंने हमें गांव छोड़ने के लिए कहा। फिर
फिर हमें छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए हमें बस में दूसरे गांव जाना पड़ा। ओह, तुम्हें आखिर अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव जाना ही पड़ा। हाँ, और हमें अपना खेत भी छोड़ना पड़ा। और पता है, जब हम एक साल पहले दूसरे गांव में गए तो हमने अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष किया। हमें दिए गए पैसे जल्द ही खत्म हो गए और मेरे पिताजी किसी और की जमीन पर काम करने लगे थे। और पता है, उन्हें मुश्किल से थोड़े पैसे मिलते थे। क्या तुम और तुम्हारी बहन उस गांव में पढ़ रहे थे? नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी के पास मुझे और मेरी बहन को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं थे। मैं उनके काम में थोड़ा उनकी मदद करता था, परंतु फिर भी आमदनी ज्यादा नहीं हो सकी। और फिर कई महीने तक हमने काफी मेहनत की। हम खुश नहीं थे। हम अपने दोस्तों को, अपने घर को, पशुओं को और अपने खेतों को छोड़कर खुश नहीं थे। पता है, हमारे मुल्शी गांव में हम बच्चे नदी के किनारे बैठते थे और बहुत आनंद लेते थे। हमें मुल्शी गांव की बहुत याद आती थी और नदी के शुद्ध पानी की भी याद आती थी। पता है, सभी गांववासी एक बड़े परिवार की तरह प्रेम से रहते थे। स्थानांतरण की वजह से लगभग सभी परिवार बिखर गए। क्या तुम जानते हो कि मेरे पिताजी का भी हर दूसरे साल ट्रांसफर होता रहता है? ट्रांसफर? हाँ, ट्रांसफर यानी स्थानांतरण। एक जगह से दूसरी जगह जाने को ट्रांसफर कहते हैं। मुझे भी हर दो साल में अलग अलग लोगों, अलग अलग मौसम, अलग अलग स्कूल, अलग अलग दोस्तों का सामना करना पड़ता है। हालांकि मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। मुझे अब भारत के विभिन्न स्थानों को देखने में आनंद आता है। तुम तो भाग्यशाली हो। पता है, मैं एक साल दो महीने से स्कूल नहीं गया हूँ। फिर तुम उस गांव से पुणे क्यों आए हो? क्योंकि शहर के कुछ लोगों ने उस नए गांव का दौरा किया था। मैं वास्तव में तो नहीं जानता कि वे क्यों आए थे, लेकिन वे कुछ ग्रामीणों से मिले और मेरे पिताजी उनमें से एक थे। उन्होंने मेरे पिताजी को पुणे की सभी अच्छी चीजों के बारे में बताया और फिर मेरे पिताजी ने मेरी माँ, मुझे और मेरी बहन से कहा कि हम सभी को पुणे स्थानांतरित होना चाहिए। उन्होंने हमें ये भी बताया कि वहाँ रोजगार के अच्छे अवसर है। फिर क्या हुआ? फिर हम सब पुणे आ गए और हमने इस खेल के मैदान के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई है। फिर मेरे पिताजी काम की तलाश करने लगे। मेरे पिताजी को एक लोहार के पास नौकरी मिली। उन्हें दैनिक आधार पर भुगतान किया जाता है, हालांकि ये बहुत कम पैसे हैं। और अब मुझे भी नौकरी की तलाश है, क्योंकि मैं जिम्मेदार महसूस करता हूँ और अपने पिताजी और अपने परिवार की किसी ना किसी तरह से मदद करना चाहता हूँ। इस शहर में रहना तो इतना महंगा है, यहाँ हमें पानी के लिए भी पैसे का भुगतान करने की आवश्यकता है। पता है, मुल्शी गांव में नदी के कारण पानी की कभी कमी महसूस नहीं हुई। नदी का पानी खाना पकाने, सफाई, स्नान करने, पीने इत्यादि के लिए उपयोगी था और पानी की कमी कभी नहीं थी। हाँ, यहाँ पानी की कमी तो है। और फिर यहाँ आपको हर चीज के लिए पैसों की जरूरत है। अगर मुझे काम मिलता है तो मेरे परिवार को आर्थिक मदद मिल जाएगी और जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरी बहन स्कूल जाए। मुझे काम भी करना है और स्कूल भी जाना है। तुम बहुत समझदार लड़के हो। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई तुम्हारी मदद करेगा। धन्यवाद भाई, अब मुझे जाना होगा। आपने देखा कि कैसे मुन्ना को अपने गांव से विस्थापित होने के बाद मुश्किलों का सामना करना पड़ा था?
क्या आप में से कोई विस्थापित हुआ है? विस्थापन के और क्या कारण हैं? जैसे हम मुन्ना के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि भारत में कई बड़े बांध हैं? हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इन बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे। क्या आप भारत के प्रसिद्ध बांधों के नाम बता सकते हैं? बांधों के क्या लाभ हैं? क्या आप उन्हें सूचीबद्ध कर सकते हैं? मैं अपनी कहानी यहाँ समाप्त करूँगा। मेरे मन में बहुत सारी शंकाओं के साथ मैं अपने पिताजी से बात करने के लिए खेल के मैदान से अपने घर चला गया। इस वीडियो में आपने सीखा कि विस्थापन क्या है। वीडियो के अगले भाग में मैं विस्थापन के कुछ और पहलुओं के बारे में बात करूंगा।